हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया डॉट वीडियो लेकर। आज के डॉट वीडियो में 7 सवाल हैं आपके लिए, 7 क्वेश्चन, और जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके जो हैं वो बड़े अच्छे से क्वेश्चन हैं। किसके हैं? सिंपल इंटरेस्ट के। 5 क्वेश्चन किसके हैं? सिंपल इंटरेस्ट के। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हमारे पास हैं। जो 2 क्वेश्चन है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के हैं। 2 क्वेश्चन किसके हैं? टाइम स्पीड डिस्टेंस के। देखिए, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, आपको सॉल्यूशन छोटा छोटा मिलेगा, ट्रिकी सॉल्यूशन मिलेगा सारे क्वेश्चन पे। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप विद इन सेकंड कर सकते हैं। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको पता है किस साइड आने वाला है, इस साइड आने वाला। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन देखते के साथ जवाब दे देंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 इयर्स। क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट 6 साल के लिए जो है वो 30% प्रिंसिपल के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल के बराबर कितने साल बाद हो जाएगा। आपको पता है जब परसेंटेज में हम बात करते हैं, जब आपको बोल रहा है कि ऐसा ही कितना परसेंट है, 30% प्रिंसिपल के है। आपको पता है प्रिंसिपल खुद ही होता है कितना, 100%, और 30% कितने दिन में हुआ है, तो आपको बोल रखा है 6 साल में। आप खुद देखिए कि अगर 30% 6 साल में बढ़ा होगा, मतलब 1 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, 5%। तो 100% होने के लिए कितना साल लगेगा, तो आप कहेंगे 20 साल। बस इतना ही सा सवाल था इसका, कितने साल में वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, मतलब कितने साल में वो 100% हो जाएगा। क्लियर? देखिए सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो आप मेरा वीडियो में जाकर देखिएगा। ट्रू डिस्काउंट पे एक वीडियो है, एक या दो वीडियो है, अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। सवाल कह रहा है आपका कि 2400 रुपया जो है इस पे जो ट्रू डिस्काउंट है, इस पे क्या है, ट्रू डिस्काउंट है, वो 4 साल में 5% के हिसाब से लगा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का अंतर क्या होगा। आपको पता है अगर ट्रू डिस्काउंट इस पे 4 साल लगा है 5% के हिसाब से, इसका मतलब 20% होगा ट्रू डिस्काउंट। मतलब अगर ये 100% है तो ये कितना होगा, 120%। क्लियर? अब बात करते हैं इसपे ब्याज का। तो ब्याज इसी पे लगेगा 120% पे, या फिर कहीं इस पे दोनों सेम चीज है। ब्याज कितना लगेगा फिर से, 4 साल में 5% के हिसाब से कितना, 20%। मतलब आप देखिए कि 120% की वैल्यू इतनी है, 120% पे 20% अगर ब्याज लगेगा, मतलब कितना परसेंट हो गया, 24%। आप खुद देखिए ट्रू डिस्काउंट कितना है, 20%, ब्याज कितना है, 24%, दोनों का अंतर कितना आ गया, 4%। आपको इसी की वैल्यू पता करनी है, जबकि 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका कितना आ गया, 20, तो 4% की वैल्यू 80 रुपया। एकदम सिंपल तरह से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप इसको और अगर आप ये नहीं समझना चाह रहे, इससे भी आसान करना चाह रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात याद रहनी चाहिए, आप वीडियो देख लीजिएगा। जो अंतर होता है हमेशा ट्रू डिस्काउंट और साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमेशा आर का आर परसेंट होता है। मतलब 20% टोटल ब्याज था, 20% का 20% जब आप निकालेंगे तो 4% आएगा। यही हमेशा क्या होता है, एसआई माइनस ट्रू डिस्काउंट। और आपको दे रखा है कि जो टोटल धन है वो कितना है, 2400 रुपया। मतलब आपको 120% की वैल्यू दे रखी है, 4% की वैल्यू आपको डायरेक्टली निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं। कह रहा है कि पर्सन है जो कुछ पैसा उधार लेता है 5 साल के लिए, और उसके बाद होता है क्या, उसका जो लोन अमाउंट है, मतलब जो पैसा उधार लिया, पैसा जो उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, मूलधन बोल सकते हैं। तो जो पैसा लोन लिया है उसका और उसके ब्याज का जो तुलना किया गया है, जो इंटरेस्ट है वो 5:2 के अनुपात में है। आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू इंटरेस्ट रेट। यही आपको सवाल समझना है। आप खुद देखिए, 5 रुपया उधार लिया जिसपे 2 रुपया का जनरेट हो रहा है क्या, ब्याज, कितने साल में, 5 साल में। तो 1 साल में कितने का जनरेट होगा, तो आप कहेंगे 2/5। 1 साल में कितने का जनरेट होगा, 2/5 साल का जनरेट होगा। आप खुद देखिए, आप यहां पे आप स्टॉप कर दीजिए, यही आपका रेट है। 1 साल में जो मूलधन पे पैसा मिलता है उसी को दर बोलते हैं। अब परसेंटेज दर निकालना है तो आप 100% कर लेंगे, 100 रुपए पे निकाल लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप रेट परसेंट निकालते हैं तो वो क्या देता है, आउट ऑफ 100, मतलब 100 रुपए में कितना आपका ब्याज है, उसी को रेट परसेंट बोलते हैं। जब आप बात करते हैं फ्रैक्शन की, जैसे मान लीजिए रेट आपका 5% है, तो फ्रैक्शन में 1/20, मतलब आप क्या कहेंगे, 20 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, ये कहते हैं ना।
तो अगर फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो आपको 100 की बात नहीं करनी जरूरी है, लेकिन अगर रेट परसेंटेज में ले रहे हैं तो आपको 100 की बात करनी जरूरी है। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन कि आपको जो उधार लिया गया, जो लोन लिया गया पैसा है और जो ब्याज का जो दर है, आपको इसका रेशियो पूछ रहा है। तो ब्याज का दर क्या है, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 2/5। तो ब्याज का दर आपका ये हो गया, आपका ये दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 5:2/5 कितना गया, 25:2। इतनी से सवाल था, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए हमारे सामने आ रहा है, ये भी क्वेश्चन छोटा सा है। अब क्वेश्चन जैसे बोलता हूं वैसे आप कीजिए। और देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, आप अगर फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो मत बनाइए, वो आपको परेशान करेगा। फॉर्मूला आपके बुक में बहुत सारे पड़े हैं, बहुत जगह आपको ऑनलाइन फॉर्मूला मिल जाएंगे, वो आपके काम के नहीं है। आपको लॉजिक समझना है क्वेश्चन का, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। जो अगर वो समझ जाएंगे तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे क्वेश्चन बनेगा, इजीली बनेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहा, मतलब मूलधन और मिश्रधन की बात कर रहा है कि कुछ समय में किसी दर से 4/5 का रेशियो दिया हुआ है, कुछ समय के लिए बोल रहा है। 3 साल बाद ये जो रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का 5/7 हो जा रहा है, 5/7 हो जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप खुद देखिए, प्रिंसिपल दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही धन की बात हो रही है। बस प्रिंसिपल को आप बराबर कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए, दोनों क्या हो गया 20, इसको 5 से गुना कर दीजिए 25, इसको 4 से गुना कर दीजिए 28। क्लियर, मतलब 20 रुपया में जहां 25 रुपया टोटल अमाउंट हो रहा था, वहां पे 3 साल बाद 20 रुपया पे 28 रुपया इंटरेस्ट टोटल अमाउंट हो रहा है। प्रिंसिपल आपका नहीं बदला, 3 रुपया आया कहां से, ये जो 3 रुपया आया ये क्या है, 3 साल का ब्याज है। तो एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया। कितने रुपए पे, 20 रुपए पे। तो 100 रुपए बनाने के लिए क्या करें, 5 से गुना कर दें, तो 100 रुपए पे एक साल में कितना रुपया मिल रहा है, 5 रुपये। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। एक देखिए इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन का सोल्यूशन वो नहीं बताऊंगा मैं जो पहले बताया था, आज इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। और आपने इसमें बहुत, आपने जो सोल्यूशन दिया है मुझे, जो फेसबुक पे आपने सोल्यूशन पोस्ट किया, वो सोल्यूशन में पहले बताया था उस तरीके से, लेकिन उसका भी आज छोटा कर रहा हूं। तो आप देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। आप देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है कोई सामान है जिसका 12,000 रुपया दाम है, कैश पेमेंट अगर आप देते हैं तो। अगर आप इसको लोन पे लेना चाह रहे हैं तो 7,000 रुपया कैश पेमेंट कीजिए और 5,000 रुपया जो आपका बचता है उसको आप लोन पे लीजिए। कंडीशन क्या, 630 रुपया 8 महीने तक आपको चुकाने हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट के वैल्यू दे रखा है। अब समझिए बात को, आपने 5,000 रुपया लोन यहां लिया, आपको चुकाने हैं 8 महीने बाद, 8 महीने बाद चुकाने हैं 630 रुपए के हिसाब से। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 630 रुपये। अच्छे से समझिएगा। अब देखिए क्या है कि अगर 630 रुपये आप एक महीने में चुका रहे हैं तो 8 महीने में आप कितने चुका लेंगे टोटल, तो आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा गया कितना, 5,040 रुपया। इसका मतलब 5,000 आपने उधार लिया था, आपको 40 रुपया इंटरेस्ट मिलाकर आपको चुकाना है अगर आप 630 रुपये महीना चुकाते हैं। क्लियर, ये सवाल कर रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं करूं थोड़ा सा आप इसकी बात को उल्टा कीजिए। आप इसकी बात नहीं मानिए, आप क्यों मानेंगे इसकी बात। आपने सामान खरीदा है, पैसा आपको देना है, उसको पैसे से मतलब है, तो आप क्या कीजिए, बोले भैया ऐसा है कि हम सारा कोई भी इंस्टॉलमेंट जो तुम्हारा है हम कोई भी समय पे नहीं चुका रहे। तो आप समय पे इंस्टॉलमेंट अगर नहीं चुकाएंगे तो क्या करेंगे, आप आखिरी में जाकर चुकाएंगे। इसका मतलब जो पहला इंस्टॉलमेंट आपको एक महीने बाद चुकाना था यहां पे, इसको आप अगले 7 महीने के लिए रोक देंगे, लास्ट में जाकर देंगे। मतलब इस 630 रुपये पे आप 7 महीने तक ब्याज उसका वो काउंट कर लेगा जब उसको देने जाएंगे। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट देना आपको 630 रुपये का, इसको भी अगले 6 महीने के लिए रोक लेंगे, आप रोक लेंगे उस पे भी। आप 6 महीने का क्या करेंगे, ब्याज वो काउंट करके आपसे लेगा, मतलब आपको लास्ट में देना है। इस तरह से आप देखेंगे कि पहले इंस्टॉलमेंट जो आपने रोका उस पे 6 महीने का, 7 महीने का, फिर दूसरे पे 6 महीने का, फिर 5 महीने का, 4 महीने का, इस तरह से 7+6+5+4+3+2+1 महीने। कितने पे, 630 रुपया पे आपका सम कितना होता है, 1 से 7 तक का इतना होता है। आपको यहां पर मैं ऐसे ही रख दिया हूं, इतने महीने का, अब समझिएगा इतने महीने का 630 रुपया पे आपको ब्याज लास्ट में देना होगा, प्लस
ये जो 40 रुपये आपको देना था ये भी आपको देना होगा। अब देखिए अगर 630 रुपये आप इतने महीने के लिए करते हैं तो अगर साल की बात कर रहे हैं तो इतना हो जाएगा साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट की बात कर रहे हैं तो आपको इतना रुपया ब्याज आपको देना होगा अगर आप इंस्टॉलमेंट समय पे नहीं देते हैं, रोक लेते हैं तो, प्लस 40 रुपया जो आपका ब्याज निकल रहा है। साथ में ये पैसा को और दूसरे तरीका से आप बता सकते हैं क्या है, ये वही पैसा है जिस जो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली 5000 रुपये को आपने रोक रखा था। आपने किसको रोक रखा था, 5000 रुपये जो आपको मंथली देने थे उसको रोक रखा था, उसको आप लास्ट में देने की बात कर रहे हैं कितने महीने बाद, 8 महीने बाद, तो आपको इतना रुपया देना होगा। इतनी सी बात थी। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 2.14% के आसपास आएगी। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 2.1%, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिएगा ये क्वेश्चन में पहले बताता था इसमें क्या करता था, 630 माइनस करता था, फिर उसमें 630 माइनस करता था, अब वो आपको नहीं करने की जरूरत है। अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंपली देख लेंगे कि अगर पैसा आप रोक लेंगे तो कितना रुपया आपको और देना पड़ेगा। 40 तो आपको इंस्टॉलमेंट पे देना पड़ रहा था, इंस्टॉलमेंट रोक लेते हैं तो इतना और देना पड़ता है, मतलब टोटल आपको इतना देना पड़ेगा जब आप इनडायरेक्टली पूरे का पूरे पैसा आप रोक लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा सा क्वेश्चन था, इसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया है, आप वीडियो को बार बार देखिएगा बैक करके, आपको ये समझ में आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा इंस्टॉलमेंट का, इस टाइप के सारे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक चींटी है जो 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे पर 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊंची चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, और दूसरे मिनट में 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। कहने का क्या मतलब है कि यहां से 3 सेंटीमीटर गई 1 मिनट में, और फिर यहां से वापस फिसल गई यहां पे 2 सेंटीमीटर नीचे दूसरे मिनट में। मतलब आप शुरू से अगर पूरे कहानी की बात करते हैं तो इसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लग गया, 2 मिनट का लगा। चींटी 3 सेंटीमीटर ऊपर गई है 1 मिनट में, अगले मिनट में 2 सेंटीमीटर वो नीचे घसक गई है, इसका मतलब पूरे 2 मिनट में चींटी 1 सेंटीमीटर ही ऊपर जा पाई है। चींटी को जाना कितना है, 12 सेंटीमीटर ऊपर, लेकिन हर एक मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, मतलब 12 में से अगर 3 हम माइनस कर लें, सिर्फ 9 बार हम इसको चढ़ने बोले, क्योंकि एक बार में 1 सेंटीमीटर चढ़ रहा है तो 9 सेंटीमीटर चढ़ने में 9 × 2 = 18 मिनट का समय लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और आखिरी का जब 1 मिनट और होगा, इसमें 3 सेंटीमीटर ये चढ़ लेगी, और इस हिसाब से पता चलेगा 19 मिनट में चींटी पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर खंभे पे चढ़ चुकी है, मतलब खंभे के ऊपर पहुंच गई है। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है चींटी खंभे को पार कर जाएगी कब, मतलब खंभे को पार करेगी कितने समय में, तो इसका आंसर आपका डिपेंड करता है ऑप्शन पे, लेकिन अगर आप यहां से आंसर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए ये है खंभा, अगर प्रैक्टिकली आप सोचिए कि इस खंभे को चींटी पार करेगी तो ऊपर हवा, थोड़े हवा है, कैसे पार करेगी, कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन सवाल पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि 19वें मिनट के बाद, आफ्टर 19 मिनट्स ये खंभे के ऊपर होगी 19 मिनट के बाद, या फिर आप बोल सकते इन 20th सेकेंड, मतलब 20th मिनट, मतलब 20वें मिनट में चींटी क्या होगी, खंभे के ऊपर होगी। अगर ऑप्शन कहीं पे 21 दे रहा है तो आप 21 मार के चलिए, क्योंकि 20 प्लस मतलब क्या होता है 21, ठीक है, 21 नहीं देगा 20 देगा टोटल 20 मिनट में, तो 20 मिनट या 20वां मिनट वो ऑप्शन पे। अगर इस तरह से बात किया कि 19वां मिनट में, 20वां मिनट में, 21वां मिनट में, तो हम 20वां मिनट की बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही 19 कंप्लीट होता है 20 शुरू हो जाता है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये पहले भी शायद किसी डॉट वीडियो में मैं कराया हूं इस क्वेश्चन को, शायद लास्ट क्वेश्चन आज के डॉट वीडियो का। अच्छा सा कह रहा है कि बी स्टार्ट 4.5 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक कोई चलता है और ये कहां चला जाता है, यहां तक एंड पॉइंट तक। बोल रहा है कि बी जो है 4.5 मिनट ए के चलने के बाद चलता है, मतलब ए यहां पहुंच गया होगा कितना मिनट, 4.5 मिनट, तब जाके बी यहां से स्टार्ट करता चलना करता है। अब सवाल कर रहा है कि ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक एंड वॉक अ माइल वेयर द वेयर ही मीट्स बी, इफ एज स्पीड इन अ माइल इज 6 मिनट्स देन बी एज स्पीड इन अ माइल इज। अब आपको बोल रहा है कि जो ए क्या करता है, ये जाता आराम से यहां से फिर लौटता, और 1 माइल जब वापस आता है तब जाके बी से
टकरा जाता है इस पॉइंट। क्लियर है यहां तक? आप खुद देखिए बी के बारे में बोल रहा है कि 6 मिनट में 1 माइल चलता है, ए के बारे में बात हो रही है, ए के बारे में दिया है, ए 6 मिनट में 1 माइल चलता है, तो आपको बताना है कि बी कितने मिनट में 1 माइल चलेगा। आप खुद देखिए कि अगर 6 मिनट में 1 माइल चलता है, आपको दे रखा है स्टार्टिंग से एंड का जो दूरी है वो 3.5 माइल का है, स्टार्टिंग से एंड की दूरी 3.5 माइल है। अब खुद बताइए अगर ये को 3.5 माइल हम चलने बोलेंगे तो कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे 6×18=21 मिनट का समय लेगा, लेगा 21 मिनट का समय। और ये वापस 1 माइल आया है, मतलब 1 माइल चला होगा तो फिर से इसको 6 मिनट और लगा होगा, मतलब टोटल 27 मिनट लगा है ए को यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर बी से मिलने में, जिसमें से 27 मिनट में बी कब चलना शुरू किया है, तो बी चलना शुरू किया जब ये यहां पे था 4.5 मिनट आगे था, मतलब बी ए जब यहां से चला था तब बी यहां से चला था, मतलब दोनों यहां से यहां चला होगा तो कितना समय लिया होगा, तो यहां से यहां का समय ए का या फिर यहां से यहां का समय बी का दोनों क्या है बराबर। तो आप ए का सिर्फ 4.5 मिनट इसमें से अगर माइनस आप कर लेते हैं तो आपको जो मिलता है 22.5 मिनट। ये कौन सा मिनट है, ये कौन सा समय है जितने देर में ए यहां से बी मिला आकर बी को मिला या फिर बी यहां से यहां आकर मिला। अब आप बताइए 22.5 मिनट में बी कितना दूरी चला है, 22.5 मिनट जो बी का ए का है बी है, ये बी का जो 22.5 मिनट है इसमें कितनी दूरी चला, इतना ही दूरी चला है, और ये दूरी है कितना पूरे में 1 माइल कम है, मतलब 3.5 माइल की जगह कितनी माइल है 2.5 माइल। अगर ये 22.5 मिनट में 2.5 माइल चल रहा है तो आप बताइए 1 माइल चलने में कितना मिनट लेगा, तो आप कहेंगे 9 मिनट। आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि 1 मिनट में 1 माइल में कितना समय लेगा। आपको एक बात बता देता हूं, जो क्वेश्चन का जिस तरह का एसएससी पैटर्न बदल रहा है, आप इस बात से कंप्लीटली मत निश्चिंत हो जाइए कि आपका सवाल का कहने का जो लहजा होगा, कहने का जो तरीका होगा वो पहले जैसा होगा। इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये 6 मिनट इन 1 माइल या फिर 1 माइल इन 6 मिनट, ये स्पीड दिया हुआ है, ये कुछ नहीं है सिर्फ स्पीड है, स्पीड का कहने का तरीका बदल दिया है। अब तक आपने स्पीड देखा था कि किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, मतलब एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ये बोल रहा था स्पीड, एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी को स्पीड बोल रहा था, कोई बात नहीं। यहां पिछले क्या किया है आप देखेंगे तो 1 मिनट में कितना चलेगा 1/6 माइल, तो आप कह सकते हैं इसका स्पीड क्या है 1/6 माइल पर मिनट। तो ये स्पीड को ही इनडायरेक्टली इस तरीके से ये प्रेजेंट किया और आपसे भी इसी तरीके से पूछ रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आप वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ और बताइए हमें कमेंट करके कैसा लग रहा है वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, ट्रिगो का नेक्स्ट वीडियो है। थैंक यू।